साध्वी प्रज्ञा का यहाँ पर इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने विजन स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उन्होंने इस विजन स्टेटमेंट के लिए कहा है कि कुछ बातें इसमें अधूरी रह गई हैं, वो शामिल कर ली जाएंगी। जल्दबाजी में दरअसल ये विजन स्टेटमेंट लाया गया है। बिल्कुल, और दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा क्योंकि आमने सामने हैं, लेकिन कैसे कंप्यूटर बाबा उनके साथ मिलकर शो निकाल रहे हैं, तो साध्वी प्रज्ञा के लिए किस तरह से प्रचार के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ये दो तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी। आज अमित शाह भी पहुंचेंगे साध्वी प्रज्ञा के रोड शो में, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह एक तरफ संतों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो आज माँ बगुलामुखी के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उनके दृष्टि पत्र में उनकी जीवन से जुड़ी कई बातें हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो आज से मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रचार शुरू करेंगी। हालांकि पहले उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस नाम से आप देख सकते हैं कि ठीक इस विजन स्टेटमेंट के मुखपत्र पर साध्वी प्रज्ञा सिंह की, प्रज्ञा ठाकुर की बड़ी सी फोटो लगी है, और साथ ही विकास नहीं रुकेगा, देश नहीं झुकेगा, इस नारे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो दिखाई दे रही है। ये संकल्प पत्र है, दृष्टि पत्र और संकल्प पत्र दोनों के साथ साध्वी प्रज्ञा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कंप्यूटर बाबा जो है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भोपाल लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के, उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस समय चुप्पी साध रखी है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर बाबा जो है लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को वोट दिया जाए क्योंकि वो असली हिंदू हैं। दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर जो है वो राष्ट्र विरोधी है और उसने जो है आतंक को अंजाम दिया है और वो एक आरोपी है, इस वजह से जो है कंप्यूटर बाबा उनके लिए जो है वोट यहाँ पे मांग रहे हैं। कैमरामैन निशाद खान के साथ हेमंत शर्मा, भोपाल आज तक। तो ये वही कंप्यूटर बाबा हैं जिनको लेकर दरअसल एक बार काफी विवाद भी हुआ था मीनाक्षी, लेकिन अब ये जमकर प्रचार प्रसार दिग्विजय सिंह के लिए कर रहे हैं, उनको असली हिंदू बता रहे हैं। और क्या कुछ वो इस रोड शो से जुड़ने के बाद कह रहे हैं सुनिए। संतों का रोड शो है, संत समाज अपील कर रहे हैं कि भोपाल की जनता दिग्विजय सिंह को वोट दे और हाथ के पंजे पर मोहर लगाए। नर्मदा प्रेमी संतों हितैषी ऐसे को हम संत समाज जो है दिग्विजय सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं जनता। रोड शो की होड़ लगी हुई है क्योंकि चुनावी मौसम है, इसमें दिग्विजय सिंह ने रोड शो किया तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी रोड शो करेंगी जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। और साथ ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें संकल्प पत्र और दृष्टि पत्र दोनों जारी किए गए, और आचार संहिता का जो कोड है उसके मुताबिक सभी नियमों का पालन इस दृष्टि पत्र में किया गया है, ऐसा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा। उन्होंने कहा कि हमने कई ऐसी बातें इस दृष्टि पत्र में शामिल की हैं जो इस पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ती है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता ने बात की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से, सुनिए। अपना संकल्प पत्र जारी करने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर निकल रही हैं प्रचार के लिए, एक नए सिरे से आज आप प्रचार करने जा रही हैं, और अगर अभी देखें तो हम यहां से निकल रहे हैं प्रचार के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संकल्प पत्र में कई सारी बातें छूट गई आप कह रही हैं। हाँ, नहीं, सबको समाहित किया है ना मैंने, इसलिए अभी एक सारांश उसका थोड़ा सा लिखा है, लेकिन अभी बहुत शेष, मैंने बताया आपको। देरी से संकल्प पत्र जारी होने के बाद भी चीजें छूट जाना आपको लगता है नुकसान? देखिए, सबको विश्वास है मैं करूंगी काम, ये तो एक औपचारिकता है जो बताना चाहिए इसलिए बताया है, और सबके मन की बात आना चाहिए, जो मैं करूंगी वो मैंने बुलाया, इसलिए कहा शुभ मुहूर्त था, आपने कहा शुभ मुहूर्त था, हाँ इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया उसमें अंश मात्र है। तो ये थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है और बात करते हुए कहा है कि आज शुभ मुहूर्त था इसलिए इन्होंने आज ये संकल्प पत्र। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।